नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा प्राइम की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे जो मुजफ्फरनगर से मिल रही है। गन्ना कोहलू के ईंधन में भीषण आग लगने की खबर है। आग लगने से दो मासूमों की मौत हो गई। दोनों की मौत मौके पर ही हुई। ककरौली क्षेत्र के गांव जटवाड़ा का पूरा मामला है। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, मुजफ्फरनगर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां गन्ने के कोहलू में आग लग गई और आग कितनी भीषण थी आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दर्दनाक हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। ककरौली क्षेत्र के गांव जटवाड़ा का ये पूरा मामला है जहां गन्ने के कोहलू में भीषण आग लग गई और इस आग में झुलसकर दो मासूम बच्चों की जान चली गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। ककरौली थाना क्षेत्र के जटवाड़ा गांव की ये पूरी घटना है जहां दो बच्चों की आग में झुलसकर, इस भीषण आग में झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास? देखो, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ये थाना ककरौली क्षेत्र में, ये इनका कोहलू है। वहां पे कोहलू में ये काम कर रहे थे, इनके माँ बाप भी और बच्चे खेल रहे थे। जैसे कोहलू में आग जलाते हैं, वो जैसे उन्होंने आग लाई, उसके बाद वहां से एक चिंगारी निकली। चिंगारी के बाद जो गन्ना कोहलू में मतलब पिलता है, उसके बाद वो इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वहां पे वो चिंगारी वहां पे पहुंच गई। उसके बाद उसने विकराल रूप लेके, जो दो बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 4 साल की लड़की है, दोनों ही मौके पे चलकर इनकी मौत हो गई। उसके बाद एसडीएम जो जान सेट है वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने जब देखा तो उनका ये कहना है कि ऐसे ऐसे ये मामला था। उसके बाद जो सरकार से मतलब मदद मिल की जाएगी वो इन्हें दी जाएगी। जी जी, शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो गन्ने के कोहलू के ईंधन में आग लगी, भीषण आग थी। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें दो मासूम बच्चे, जिसमें एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 5 साल थी, उनकी झुलसकर मौत हो गई। उधर बरेली में लव जिहाद के मामले में हिंदुवादी संगठनों ने किला थाने में जमकर हंगामा किया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हंगामा ये बरेली वाला है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लोग भाग रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, इसे इन तस्वीरों में देखिए। लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता किला थाने में इकट्ठा हुए थे और जमकर हंगामा किया था। हंगामे के दौरान इन लोगों ने क्या क्या उपद्रव किए, देखते जाइए। पहले नारेबाजी की और फिर कुर्सियों को पटकना शुरू कर दिया। किला थाने में सैकड़ों की तादाद में जुटे भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का यह हंगामा जब बेकाबू हो गया तो पुलिस को लाठी चार्ज करके इन्हें भगाना पड़ा। एबीपी गंगा के लिए अरूप मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। बिहार में भाजपा का हर प्रत्याशी चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए बिहार आकर प्रचार करें। इसलिए भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में आज से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। आज सीएम योगी ने एक दिन में बिहार के 3 जिलों कैमूर, अरवल और रोहतास में जनसभाएं की। कैमूर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वो भगवान राम की धरती से
बिहार के लिए संदेश लेकर आए। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध चोली दामन का संबंध है, कोई इसे दूर नहीं कर सकता, कोई इसे तोड़ नहीं सकता और इसका श्रेय जाता है रामगढ़ को। कैमूर के बाद सीएम योगी ने दूसरी रैली बिहार के अरवल जिले में की, जहां जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के दौरान गरीबों और मजदूरों के लिए केंद्र, यूपी और बिहार सरकार के उठाए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो सभी पूरे किए जा रहे हैं। हमने जो कहा वो कर दिया है भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, आस्था का सम्मान भी किया है और बीमारी से देश की 135 करोड़ जनता को बचाने का भी काम किया है। बिहार के काराकाट में अपनी तीसरी चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने काराकाट में कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला और कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने शासनकाल में बिहार के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती, आप मानते हैं ना? उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सीएम योगी बिहार विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर है। बिहार में भाजपा के प्रत्याशियों में भी सबसे ज्यादा मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और अपने चुनाव अभियान के पहले दिन ही सीएम योगी ने विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए बिहार चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर लगातार घटती जा रही है, इसके पीछे योगी